मुकदसा मरियम की आसमान पर उठाए जाने की ईद कैथलिक इमानी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। पेरिस प्रेस्ट रेवरेंड फादर नदीम जान शाकर की सेरे क़यादत इस प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। रेवरेंड फादर नदीम जान शाकर डेकन शाहिद नज़ीर ने ताजपोशी की रस्म अदा की। फजीलत माँ बिशप डॉक्टर इंद्रयास नहमत की क़यादत में पाक मास की अक़दस कुर्बानी गुजरानी गई। बिशप इंद्रयास ने अपने खसूसी पैगाम में बताया, आज हम मुकदसा मरियम का आसमान पर जाने की ईद मनाते हैं। मुकदसा मरियम के मुतालिक ईमान की चार सच्चाइयां हैं कि वो दायमन कमवारी हैं, वो खुदा की माँ हैं, वो बेदाग हमल में ली गई और वो आसमान पर उठाई गई और हम उसे डॉगमा ऑफ फेथ यानी ईमान के अकायद, ईमान के जज़्ब, ईमान की हकीकत मानते हैं। ईमान की सच्चाइयों के लिए ज़रूरी है कि इनका ताल्लुक या तो बाइबल मुकद्दस से हो या फिर कलीसिया की रवायत से हो। इन चार बातों का बाइबल मुकद्दस में जिक्र नहीं है। हम मुकद्दसा मरियम को इस वक्त मिलते हैं जब वो नौजवान नशेज़ा है, वो फरिश्ते का सलाम सुनती है और इस बात के घर जाती हैं, वो यीशु के पीछे पीछे चलती हैं। मौसम खराब, तेज बारिश आने के बावजूद लोगों ने खुदा का कलाम सुना, पाक मास की अक़दस कुर्बानी रसूमात में अकीदत और एहतराम को बरकरार रखा और आखिर में यौम आज़ादी के हवाले से मुल्क कौम की तरक्की, अमन व सलामती, खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। आखिर में पेरिस प्रेस्ट रेवरेंड फादर नदीम जान शाकर ने शुक्रिया के कलमात अदा करते हुए फजीलत माँ बिशप डॉक्टर इंद्रयास रहमत और फादर साहबान सिस्टर साहबाद लासाल ब्रदर्स की तशरीफ आवरी और मौजूदगी का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही पेरिश में काम करने वाले तमाम ग्रुप्स और मोमिन का भी शुक्रिया अदा किया। लंदन में जुबली सी की तकरीब में ऑस्ट्रेलिया के सफीर कायरा पोरो से पॉलिसी में मिलना एजाज की बात थी। उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया हर हाल में सजाए मौत की मुखालफत करता है और तोहीन मजहब और सजाए मौत के खात्मे के लिए हर वक्त खड़ा है। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह को सेंट जोसेफ कैथलिक चर्च सोडेवाल में भी बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। जश्न आज़ादी के मौका पर चर्च कमेटी के सदर सलामत आशिक, सीनियर नायब सदर काशिफ, बरकत नायब सदर फैसल अटवाल, जनरल सेक्रेटरी सुलेमान रंधावा और साबका सदर इमानत ने बाबू यकूब गोरी के साथ मिलकर जश्न आज़ादी की सालगिरह का केक काटा और मुल्क में अमन सलामती के लिए दुआ की गयी। लंदन में मॉरिस जॉन की तरफ से मजहब या अकीदे की आज़ादी पर बैन अल-अक़वामी वजारती कॉन्फ्रेंस मुनक़द की गई। इस कॉन्फ्रेंस का मंशूर था कि पाकिस्तान में अकलीतों की आज़ादी और उन्हें तलीम का हक दिया जाए। इस नाकाबिले यकीन तकरीब का अहतमाम डेविड एल्टन, प्रोफेसर जावेद रहमान, पीटर जेकब ने किया।